Hi guys, welcome back to my channel. You know, I met you in the dark, it was a Saturday night. Remember seeing you just dancing in the middle of the crowd. There was something about you, cause you got stuck in my mind. Stuck in my mind, stuck in my mind. I thought I'd give it a go and I started talking to you. I don't know what I said, but the next thing I knew is that I held you in my arms and you asked what we should do. What should we do? What should we do? I said you can do what you want to with me. Yeah, I won't mind. As long as you... Hello guys, I'm Neil and we are here at the Driving Examination Center for Vinod's G1 exam. He is also in the test center and I am waiting here for him. सो कार के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए यहाँ पे तीन लेवल्स हैं, G1, G2 एंड G. G1 में आपको सिर्फ ऑनलाइन एग्ज़ाम होगी. G2 के लिए आपको सिटी में ड्राइव टेस्ट देनी है और G में आप सिटी में ड्राइव टेस्ट होगी और फिर आपको सीधा ले जाएंगे हाईवे पे. एंड आई वुड रिकमेंड टू व्यूअर्स, जो भी नए लोग आ रहे हैं कनाडा में या जो भी नए लोग प्लान कर रहे हैं, तो आफ्टर आप यहाँ पे आ जाओ, सो आई वुड रिकमेंड कि अपना लाइसेंस जल्द से जल्द निकलवाइए. अच्छा रहता है, मीन्स एज ए आईडी प्रूफ आपको हर जगह पासपोर्ट लेके नहीं घूमना पड़ेगा. और यहाँ पे ये चीज़ है, जितना पुराना लाइसेंस होगा उतना ही आपका इंश्योरेंस कम होगा, सो दैट्स द प्रॉफिट. Hi guys, आज मैंने अपना जीवन दिया फाइनली. We were delaying since long, so yes, I have passed in first attempt. And मैंने कहाँ से पढ़ा है उसका लिंक मैं भेज दूँगी डिस्क्रिप्शन में, सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं. इट्स एन ईजी टेस्ट, ज़्यादा सोचने का नहीं होता है. सो या आई गॉट माई आईडी एक्चुअली यहाँ का, तो अभी वो लोग ने बोला है कि 90 डेज में आएगा जो कार्ड होता है लाइसेंस का. वो अभी टेम्पररी एक रिसिप्ट जैसा कुछ दिया है, दैट टेम्पररी. सो या वेटिंग फॉर माय ड्राइविंग लाइसेंस, सून इट विल बी विद मी. सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज व्लॉग. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू डोंट मिस एनी अदर अपडेट्स फ्रॉम आवर चैनल. एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बाय. के लिए बस इतना ही. प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल. एंड प्लीज डोंट हिट द बेल आइकन.